हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे दो रंगों से बनने वाला एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में, लेडीज़ कार्डिगन में या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं दो रंगों की एक सुंदर सी बुनाई। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक दो के मल्टीपल में 16 फंदे डाल लिए हैं। आपको इस डिज़ाइन बनाने के लिए दो के मल्टीपल में फंदे चाहिए, तो मैंने यहाँ 16 फंदों को डाल करके दो उल्टी सिलाई निकाल ली। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई निकाल लेने के बाद में दो बेसिक सिलाई सीधी और एक उल्टी निकाल ली। तो चलिए अब हम डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने ग्रीन के साथ में ये येलो कलर को जोड़ा हुआ है। तो पहला फंदा हम एज स्टिच जो लेंगे उसे सीधा बुन लेंगे, दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। और अब ये देखिए, ये जो इन फंदों के बीच में जो गैप दिख रहा है ना, ये जो धागा दिख रहा है, इस धागा है ये वाला और ये वाला, इन दो धागों के बीच में से ऐसे सिलाई को निकालेंगे और ये फंदा थोड़ा लूज ही रखेंगे, इसको इसे आप बुन लेंगे। फिर से दो फंदे आप सीधे बुनेंगे और फिर वही करेंगे, इन दो धागों के बीच में ये जो दिख रहा है आपको एक धागा सा दिखाई देगा, इन दोनों फंदों के बीच में, इनमें से आप इसे ऐसे निकाल लेंगे और ये एक लूप यहाँ से बना लेंगे। इनको थोड़ा ढीला ही रखिएगा। फिर दो फंदे सीधे, फिर से इन दो धागों के बीच में से इसे निकाल लेंगे। जो हम लूप निकाल रहे हैं इन दो धागों के बीच में से, इन्हें आप थोड़ा ढीला ही रखिएगा। दो फंदे सीधे, फिर से दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे, ये देखिए इन दो धागों के बीच में से ऐसे ऐसे निकाल लेंगे और फिर से हमारे पास दो फंदे सीधे आ जाते हैं। आ गए हम इसकी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई में देखिए हम क्या करेंगे, जो दो फंदे हमने यहाँ सीधे बुने थे उल्टी सिलाई में, उसे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहले तो एज ए स्टिच फंदा आपने ऐसे उतारा, दो फंदे सीधे, और ये जो लूप का फंदा हमने यहाँ से उठाया था इसे आप इस सिलाई में भी ऐसे उतार लेंगे दूसरी सिलाई पर। फिर दो फंदे उल्टे, फिर इस फंदे को आप ऐसे उतार लेंगे लूप वाले फंदे को। इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ना बुनेंगे और ना ही इसको छोड़ेंगे इस यहाँ से, या फिर किसी फंदे के साथ इसे बुनेंगे नहीं, इसे हम दूसरे फंदे पर ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे। और फिर दो फंदे बुनेंगे और इस लूप वाले फंदे को उतार लेंगे। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई पर। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो और सेकंड रो कुछ इस तरह से बन करके तैयार हुई है। अब हम आ जाते हैं इसकी थर्ड रो पर। थर्ड रो में हम क्या करेंगे, जो हमने बेस का ये कलर लिया है ग्रीन कलर, इसे अब हम लेंगे। पहला फंदा एज ए स्टिच आप बुने या फिर उसे उतार लें, वैसी आपकी मर्जी। जो ये फंदा है, इस वाले फंदे को जो सामने से दिख रहा है, इसको हम ये सामने से लेंगे ऐसे, और ये वाला फंदा
जो लूप का फंदा था इसको सामने से ऐसे बुन लेंगे और ऐसे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो ये फंदा इसके साथ में बचा हुआ है, दो फंदों के बाद हमने जो ये लूप लिया था, इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे। इस लूप को ऐसे नहीं उठाएंगे, यहाँ से इसे ऐसे उठा लेंगे और अब की बारी से पीछे से बुनेंगे सीधा। फिर से इस लूप के फंदे को पहले हम यहाँ एक बार सामने से बुनेंगे ऐसे, और एक बार यहाँ से ऐसे फंदा उठाया, एक बार पीछे से इसे ऐसे बुन लेंगे। एक बार फिर सामने से बुनेंगे और एक बार इस फिर लूप के फंदे को पीछे से बुन लेंगे। सामने से बुनेंगे एक बार और एक बार इसके साथ में हम इसे पीछे से बुन लेंगे। ये देखिए, सामने से बुन लेंगे और पीछे से। ध्यान से देखिएगा, एक बार सामने से और एक बार पीछे से, सामने से और यहाँ से उठाएंगे इसको और ऐसे पीछे से बुन लेंगे। और ये फंदा आपका एज स्टिच सीधा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड सिलाई, फोर्थ सिलाई हमारी बस उल्टी उल्टी बनती हुई चली जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, इस पूरे सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहले हमने इस फंदे को, इस लूप को दो फंदों के बाद यहाँ बीच में से निकाला था। अब हम इसकी जगह चेंज कर लेंगे, मतलब अब जो ये वाला डिज़ाइन है वो बीच में बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमने क्या किया था कि एक फंदा एज स्टिच उतार करके और फिर एक फंदा बुन करके डिज़ाइन हमने इस वाले फंदे के बीच में डाला था। अभी हम क्या करेंगे, एक फंदा एज स्टिच उतार करके दो फंदे बुनेंगे और उसके बाद यहाँ बीच में डिज़ाइन डालेंगे। उसके लिए फिर से मैं ये येलो कलर हम यूज़ करेंगे। पहला फंदा एज स्टिच आप उतार लेंगे या बुन लेंगे, आपकी चॉइस है। कलर चेंज कर रहे हैं तो आप उसे बुनना ही पसंद करेंगे मेरी तरह। एज स्टिच उतार करके दो फंदे बुन लेंगे। पहली बार हमने यहाँ पर जब डिज़ाइन बनाया था, एज स्टिच का एक फंदा उतार करके एक फंदा ग्रीन बुना, येलो वाला बुना था। इसकी बार अब की बार हम इसे दो फंदे येलो के बुन लेंगे। एक बार डिज़ाइन इस वाले फंदे पर बना था, अभी हमको देखिए ये ऐसे बड़ा बड़ा सा दिखाई देने लगेगा। ये तो लूप ये देख रहे हैं आप। अब हमें डिज़ाइन इसके बीच में से अपना ये लूप निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ से ऐसे लूप को निकाला। अब दो फंदे सीधे बहुत ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन ये नहीं है, बहुत आसानी से इसे आप बना लेंगे और बहुत सुंदर बन करके ये तैयार होता है। पूरे स्वेटर पे इसे अप्लाई करें तो बहुत सुंदर बन करके ये तैयार होता है। देखिए, दो फंदे सीधे। अब जो इसमें जो ये है इस डिज़ाइन के बीच में, इसमें से हमें ये डिज़ाइन बनाना होगा, ये लूप लेना होगा। सॉरी, इसे दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे और एक फंदा एज स्टिच। फिर इस सिलाई में वही करेंगे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सॉरी ये उल्टे और एक फंदा ये जो लूप का हमने लिया था वो उसे उतार लेंगे। दो फंदे उल्टे, ये लूप वाले फंदे को हम उतारते हुए चले जाएंगे दूसरी सिलाई में।
उसमें से ये देखिए। अब फिर से हम अपना ये कलर चेंज करेंगे, जो बेस कलर है उसे लेकर के आएंगे। पहला फंदा है स्टिच, आप उतार लीजिए या बुन लीजिए। ये अब ये लूप के फंदे को आप एक बार ऐसे बुन लेंगे और एक बार ऐसे, वही जो हमने डिज़ाइन की थर्ड सिलाई में किया था पहले। एक बार इसे ऐसे बुन लेंगे और एक बार ऐसे इस लूप वाले फंदे को, देखिए एक बार इस लूप वाले फंदे को हमने ऐसे बुना, फिर ऐसे उठाया और फिर बैक से ऐसे। आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ में आ चुका होगा। तो ये मैं पूरी सिलाई आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ और उल्टी सिलाई आपकी पूरी उल्टी उल्टी ही बनेगी। तो देखिए डिज़ाइन थोड़ा सा और बुन लेने के बाद, थोड़ा सा बड़ा कर लेने के बाद देखिए थोड़ा सा ये ऐसा दिखाई देता है। बस आपको डिज़ाइन की फर्स्ट सेकंड थर्ड रो आप देखिएगा तो आपको पूरे डिज़ाइन को आप समझ पाएंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए और पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।